वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करेंगे, जो एफएससी फर्स्ट ईयर है उसका जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 और चैप्टर 4 है सीक्वेंस एंड सीरीज, उससे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया था। अभी आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंसेस। जो सीक्वेंसेस हमें दिए गए हैं उनके हमें क्या करना है, पहले 4 टर्म्स मालूम करने, उसके पहले 4 टर्म्स मालूम करने। तो कैसे आ जाएगा ये, पहला जो इसका पार्ट है वो 2n (n+1/3, ठीक है ना। तो हम क्या लेंगे, n a n = 2, ठीक है ना, 2n (n+1/3, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करेंगे, पुट n = 1। अभी फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा, a1 = 2, और n की जगह क्या करूंगा मैं, 1 पुट करूंगा, ठीक है ना। फिर इस n की जगह 1 पुट करूंगा और ये प्लस 1 आ जाएगा और अपॉन में 3, ठीक है। तो a1 = 2 और 1 + 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं, अपॉन 3, ठीक है ना। तो a1 = 2 × 4 4/3, ठीक है, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका दूसरा टर्म मालूम करेंगे, दूसरा टर्म के लिए क्या आ जाएगा, पुट n = 2। इसमें क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे n की जगह पर, जहां पर n है वहां पर हम लोग 2 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 n की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 और into n की जगह पर 2 और ये +1 + 1 हो गया, ठीक है, अपॉन 3, ठीक है। फिर 2 × 2 = 4 और 4 × 1 = 3, तो अपान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 3 के साथ कैंसिल हो गया। अभी ये a2 बनता है, सॉरी मैंने लिखा a2, ठीक है ना, तो a2, तो हमारे पास a2 क्या बन गया, a2 बन गया 4, ठीक है ना, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए। अभी क्या करेंगे, थर्ड टर्म मालूम करेंगे, तो पुट n = 3, थर्ड टर्म के लिए क्या पुट करेंगे, 3, तो ये क्या बन जाएगा, a3 = 2, 2 की जगह पर अभी क्या पुट करना, सॉरी n की जगह पर क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 2 × 3 (3+1/3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर a3 = 2 × 3 और 1 कितने थे, 4, ये 4 आ गया। अभी फिर नेक्स्ट a3 = 2 × 4 = 8, तो ये हो गया, a3 हमें मिल गया। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसका फोर्थ टर्म मालूम करेंगे, ठीक है ना, चौथा टर्म मालूम करेंगे, ठीक है ना। तो चौथे टर्म के लिए क्या करेंगे हम, पुट n = 4, ठीक है ना, n को क्या करेंगे, 4 पुट करेंगे। अब यहाँ पर n है, n की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा, तो a2 n की जगह पर मैं करेगा 4, फिर into n की जगह पर 4, फिर +1/3, ठीक है। तो 2 × 4 = 8, 8 हो गया, 4 + 1 कितने हो गए, 5 हो गए, अपॉन 3, ठीक है ना। फिर 8 × 5 = 40, तो ये 40/3 आ गया, ठीक है ना। तो इसके जो फर्स्ट 4 टर्म्स थे, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गए, फर्स्ट 4 टर्म्स आ, ठीक है ना, ठीक है। पहला जो था आपके पास 4/3 पहला टर्म का आ गया था ना, a1 का, तो 4/3 हो गया। और दूसरा जो टर्म था वो क्या था, 4 था आपके पास, तीसरा 8 है, और चौथा जो टर्म है वो क्या है, 40/3 है। तो जो इसके फर्स्ट 4 टर्म मालूम करने थे आपने, तो आप वो आपने मालूम कर लिए, ठीक है ना। तो ये उसके क्या हो गए, फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया गया, -1 की पावर n + 1/3, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन a n = -1 की पावर n + 1/3, ठीक है ना।
अभी क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। अभी n की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, a n, n की जगह पर 1, a 1, ठीक है ना, माइनस 1 की पावर, ठीक है ना, माइनस 1 की पावर 1, n की जगह पर क्या लिखा, 1 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है ना, इंप्लाइज दैट, ठीक है ना, 1 माइनस 1, ये 1 और ये 1 कितने हो गए, 2 हो गए अपॉन 3। अभी देखिए माइनस 1, ठीक है ना, माइनस 1 की पावर जो है वो क्या है, इवन है, यानी जुफ्त है, ये दो क्या है, जुफ्त है, तो ये माइनस की पावर जब जुफ्त हो जाए तो माइनस खत्म होता है, तो इस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 आ गया, ठीक है ना। अभी दूसरे टर्म के लिए पुट n इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, a n की जगह पर क्या लिखूंगा, 2 और माइनस, ये माइनस हो गया, अभी n की जगह पर क्या लिखूंगा, 2 प्लस 1, ठीक है, तो अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर, 2 और 1 कितने होते हैं, 3 अपॉन 3, ठीक है ना। अभी देखिए इसकी पावर क्या है, ताक है, ताक है ना, 3 ताक है, एक ताक नंबर है 3, इसको बड़ा करके मैं लिखता हूं ताकि आप देख सको, ठीक है ना, तो ताक है, कोई माइनस खत्म नहीं होगा, इनके माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना, जब पावर जिफ्ट हो तो माइनस खत्म हो जाता है, जब पावर ताक हो तो माइनस खत्म नहीं होता, तो माइनस 1 अपॉन 3 आ गया, माइनस 1 अपॉन 3। अभी थर्ड टर्म की रिपोर्ट n इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, n क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म के लिए, तो a n n की जगह पर क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर, n की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 3 प्लस 1 अपॉन ये 3, ठीक है ना, तो इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर, 3 और 1 कितने होते हैं, 4, तो ये 4 हो गए, 4 अपॉन 3। अभी पावर क्या है, जुफ्त है, मैंने बताया था कि जब ये पावर जुफ्त हो तो माइनस खत्म होता है, तो 1 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। अभी फोर्थ और लास्ट टर्म का, ठीक है ना, पुट n इज इक्वल टू 4, ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 4, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 इंप्लाइज दैट माइनस 1 की पावर 4 और 1 कितने होते हैं, 5 अपॉन 3। अभी पावर क्या है, ताक है, तो माइनस खत्म नहीं,